हेलो गाइज, आप आगे आगे चले हो, पास चलो पहुंच तो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हम हो चुके हैं रेडी, जैसा आप सबको बताया था कि हम लोग गांव जाने वाले। तो एक ब्लॉग हमारा एडवांस में बना था, इसलिए हमने पिछले कल शूट नहीं किया। पर एक चीज अच्छी होगी, पिछले कल बारिश हुई है शिमला में। क्या बारिश हुई है, शाम को शुरू हुई, इतनी जबरदस्त, काफी टाइम तक रही। इस वजह से शिमला का मौसम हो चुका है ठंडा। तो अभी हम लोगों ने सारी पैकिंग कर दी है, बस निकलते हैं। शिवम उज्वल भी गांव जा रहे हैं, तो शायद साथ साथ निकलेंगे। हम थोड़ा पहले निकल जाएंगे क्योंकि नेहा को दांत में दर्द हो रही है, तो सोच रहे कि शैलजा दीदी के क्लिनिक चले जाएंगे, थोड़ा सा दिखा देंगे। क्योंकि गांव जाना है, गांव में इतनी जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा भी नहीं, तो सोच रहे कि यहीं से करवा के जाते। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो ये देखो शिमला का मौसम कितना सुहाना हुआ है, और आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो तारा देवी माता, सब पे कृपा बनाए रखना। गुड मॉर्निंग दादी, कैसे है आप? बढ़िया। रात को आप लेट आए? लेट तो नहीं आए, 11 बजे आए, वो चले गए। अच्छा, हम इधर आ गए। हाँ हाँ। और फिर से थोड़ा मोटा मैंने वहाँ साफ सफाई की, फिर सो गए। फिर अब मैं आई हूँ, अगर घर जा रहे हैं ना। हाँ जी। गंगा जल नहीं है घर में। ओ अच्छा, समझे। ठीक है दादी, गंगा जल लेके जाना, मैंने भर के बोतल लाई है। यही रख दो इसके साथ ही। हाँ। ये मैं पैकेट में डाल दूंगा। तुम्हारे गंगा जल नहीं होता? हाँ जी, मैं पूजा पाठ के लिए जरूरी। नहीं ठीक है आपने, थैंक यू। गंगा जल जरूरी है। तो दादी हमेशा ध्यान रखते हैं ये, खासकर इन चीजों का, चाहे गांव में हो चाहे शिमला में हो, तो दादी के पास ये चीजें मिल जाती है, तो थैंक यू। ये ऐसा ना मेरे पास थे, मैंने मेरे को खुद ही याद आया, पता नहीं कैसे भगवान ने पता नहीं क्या कि भाई गंगा जल है नहीं वहाँ, गंगा जल लेके जाते हैं। बिल्कुल, भगवान का सबसे जरूरी है, जरूरी है, माँ सबसे शक्तिशाली। हाँ जी। ब्रेकफास्ट किया आपने? ब्रेकफास्ट अब तो मैंने पूजा पाठ, ऊपर सफाई, गंध क्या हो। कल दादी बारिश हुई ना, तूफान आया, दुनिया भर का पता नहीं कितना था भाई। ओह, पर एक अच्छी चीज ही होगी कल जो बारिश आई ना। हाँ। अच्छे वाली। आज देखो कितना मौसम ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी तो हमने वैसे जल्दी निकलना था सुबह। हाँ, 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 हाँ। पर इस मौसम के हिसाब से अब हम निकल रहे हैं। गंगा जल दिया है नेहा दादी ने, ये है मेरे पास, दो कैनियों। मैं भी लाई छोटी जैसी, मैं कल ले जाऊंगी, पर चलो फिर ये ले जाएंगे बेड़े वाली। मैं कभी घर में है नहीं ना, मैं पूजा करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी दादी। तो फिर गंगा जल के बगैर मेरे को नहीं, आपने ठीक किया, पहुंच भी जाएगा। ओहो अभी मुझे याद आया, चाचू ने भी सामान बोला था। तो हम लोग घर से तो निकल चुके हैं, तो अभी नेहा की बोलती बंद है क्योंकि बोल नहीं पा रही है, इसकी दाढ़ में दर्द है। अभी हम जाएंगे शैलजा दीदी के क्लिनिक, सामान हमने भेज दिया है, वो पहुँच ही गया यार। चलो, और गाड़ी भी थोड़ी आगे लगी है हमारी, पहले अपना सामान एडजस्ट करते हैं। हाँ। फिर निकलते हैं। चलो भाई, हम लोग पहले मैं और अक्षय ऊपर आ चुके थे क्योंकि हमने सामान भी दे दिया था, पर हमारी कुछ फ़ोटो फ्रेम्स और जो हमारी शादी की एल्बम है वो हम लोग नीचे ही भूल गए, तो उसको अक्षय उसको लेने गए हैं। शिवम उज्जवल भी हमारे साथ ऊपर तक आएंगे, उनकी गाड़ी हाईवे में खड़ी है, तो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। 10 मिनट तो हो गए, जल्दी आ जाते टाइम से। मैं शैलजा दी के क्लिनिक भी चली जाती, और ये थोड़ा जो भी दाढ़ में दर्द हो रही है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि कल में मैं सारी रात नहीं सोई, ये रात को तो ज़्यादा फील होती है दर्द। अपने से मैंने कोशिश करी थी कि मैंने काफ़ी बारी ब्रश करी कि कुछ होगा, पर मैं पहले सोच रही थी कि रहने देती हूँ क्योंकि दवाइयाँ मैं खा नहीं सकती। पर फिर शैलजा दी ने बोला कि एक बार चेक करवा लें, दवाई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ माउथ वॉश या कुछ भी दे सकते हैं। तो बस अब जल्दी से आ जाते तो मैं फटाफट क्लिनिक जाती, एटलीस्ट अपने मेरे दांत को, दांत से तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता। तो गाँव जाने से पहले आधी गाड़ी फुल हो चुकी है, आधा और सामान है, मैं करता हूँ। तो जगह है, शिवी कैसे बैठेगा? अच्छा, बंद करने के लिए। वाह, इतनी टाइट जगह है कि मैनेज करना पड़ेगा। शिवम उज्जवल को तो हमने ड्रॉप कर दिया उनकी गाड़ी के पास, पर आज हम नए रूट से एक सुमती होते, वैसे हम कम आते इस रूट से क्योंकि हमें ज्यादा यहाँ से काम नहीं होता है। और अब हम जा रहे हैं सीधा क्लिनिक, अभी दर्द हो रही है, ठीक है करवा ही लेते हैं एक बार जब आए हुए हैं तो।
नेहा को तो मैंने उतार दिया है क्योंकि ये चौक से जाएगी अभी शैलजा दीदी के क्लिनिक और मैं जाऊंगा अभी गाड़ी लगाने क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा तो थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। मैं पार्किंग के सबसे टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ तो मुझे पार्किंग कहीं नहीं मिली सबसे टॉप में, अभी 15 मिनट वेट करने के बाद मिली। तो अभी नेहा का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा यहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। ये ऊपर है डेंगू माता मंदिर, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। और ये देखो यहाँ पे संजौली और सिमिट्री दोनों मिलके कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आज मौसम है बहुत ज़्यादा सुहाना, बड़ी अच्छी हवा चली है इसीलिए हम लोग लेट जा रहे हैं, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया तो हम ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो हमने सुबह निकल जाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन में। आज सही है, आज तो कभी भी निकलो आराम से। शिवम उज्वली बस आने ही वाले, नेहा बस फ्री होने वाली है और धूप भी निकल चुकी है और अभी शिवम उज्वल भी आने वाले, उनके पास थोड़ा सा सामान है वो मेरी गाड़ी में आएगा। तो और हमें ठियोक से भी सामान लेना है, छोटे चाचू का फ़ोन था, तो सारे काम करते करते घर चलेंगे। ऐसा ही होता है जब कोई गांव जाता है तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबका सामान लेके जाए अगर उसके पास जगह है, तो हमारे पास जगह है क्योंकि मैं और नेहा ही जा रहे हैं। तो अभी देखता हूँ नेहा कहाँ पर खड़ी है। तो नेहा क्लिनिक से फ्री हो चुकी है तो मैंने यहीं पर गाड़ी लगा दी थी, तो बस इसका वेट करता हूँ और इससे पूछता हूँ दर्द ठीक है कि नहीं, क्या बोला डॉक्टर ने। ठीक हो, क्या बोला डॉक्टर ने? अच्छा साफ किया है, चलो ठीक है अभी चलते हैं यार, यहाँ से जाम लगेगा यहाँ पे। तो मैं कुफरी वाली रोड पे वेट कर रहा हूँ शिवम उज्वल का, वो बस पहुँचने ही वाले, तो अभी मैं फोन करता हूँ कहाँ पहुँचे वो। तो हम लोग कुफरी पहुँच चुके हैं, बारिश के बाद जो कुफरी में हवा चल रही है ना बहुत मस्त। अब बस ये है कि गाँव में भी ऐसा ही मौसम होना चाहिए, गाँव में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी। आई होप गांव में भी इसी तरह का मौसम हो, राहत मिलेगी हमें, नहीं तो गांव में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है जिस हिसाब से मम्मी पापा बोल रहे थे, और जो पानी की थोड़ी सी कमी है वो भी दूर हुई होगी आई होप। और ये है कि हम लेट भी हो गया पर मौसम अभी मतलब बादल है तो धूप नहीं है तो इसलिए हम आराम से जा सकते हैं यहाँ, तो चलो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है वो है छैला से नीचे। अभी हमारे आगे इतने सारे लोग हैं जो चंडीगढ़ से है, बाहर से, मतलब हर जगह से आए, तो इसी वजह से ट्रैफिक है। बस ये कुफरी तक का ट्रैफिक है, उसके बाद हम लोगों को स्मूथली हाँ जा सकते, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगा। और अभी अभी ठियोग में भी उतरना है, फिर वहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा सा हम सबका सामान लेते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पता नहीं कुछ इतना हार्ड हो रखा है, वो अभी सुन हो रखा है ना। चलो अच्छा है यार कि गांव जाने से पहले ये आपने करवा लिया, नहीं तो अगर गांव में दर्द होती तो बहुत दिक्कत होती। कल ही मैं जोशी एंटरप्राइजेस की बात कर रहा था, इनके बहुत सारी शॉप्स है अलग अलग तरह की, तो यहां से चाचू का कुछ सामान लेके जाना था तो वही पूछ रहा हूं मैं, अब देखता हूं मिलता है यहां से कि नहीं, फिर एक सामान आगे से लेके जाना है। पिछली बार हम लोग ठियोग में अंदर वाले रास्ते से आए थे, मार्केट वाले रास्ते से, उस टाइम तो बंद था, वापिस जाना पड़ा, अब फिलहाल के लिए खोल दिया गया है। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है क्योंकि बाईपास से ही अब सारा ट्रैफिक जाता है, जिनको काम है वही अंदर ठियोग में आते हैं और हमें काम है, और अगर यहाँ से नहीं जाना पड़ता तो बड़ा घूम के आना पड़ता हम लोगों को। पर चलो चाचू का लास्ट काम है वो भी कर लेते हैं, फिर निकलेंगे डायरेक्ट आगे। बसेज नहीं है ना यहाँ से अलाउड? हाँ बसेज नहीं है, नहीं तो बहुत जाम लगता था यार, याद है हमको सबसे। आपने नोटिस किया है कि मतलब हमारे बचपन के जितने भी रूट्स थे पुराने सब अब बंद हो चुके, नए रूट्स बन चुके हैं, कितने सारे आते थे आपके पास, हो गया ना जब हम आप आते थे, है ना, काफी सारी जगह के रूट चेंज हो गए, अब वहाँ से आती नहीं बसेस। ठीक है, ये छोटी गाड़ियों के लिए रखा है बसेस, ठीक है आराम से अपना काम आप इजीली करवा सकते हैं। तो मैं ठियोग मार्केट पहुँच चुका हूँ, शिवम उज्वल का फोन था, वो वहीं पे आगे मार्केट में वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से चाचू की एक मशीन लेके जानी थी तो वही चेक कर रहा हूँ, अगर ठीक है तो लेके जाऊँगा। हमने एक हॉल्ट लिया है, नेहा ने अपने लिए कुछ साथ में पैक कर लिया था, एक तो इसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, तो राइस और कड़ी लेके आया हूँ, ठीक है रास्ते में ठीक रहेगा और एनर्जी भी बनी रहेगी। मेडिसिन टाइम भी हो गया होगा आपका, लंच टाइम था ना? हाँ तो खा लेते, बाहर क्या खाना, और लंच टाइम एक्सीड भी हो रहा है, ठीक है आपने खा लिया। और शिवम उज्वल निकल चुके आगे, उनसे मिलते बस थोड़े टाइम में, चलो खा लेते हैं। हाँ नेहा सरप्राइज फॉर यू, जब भी हम यहाँ से आते थे कच्ची सड़क होती थी, इतना टाइम लगता था, अब शिवम उज्वल हमसे आगे चले, मैं वही सोच चुकी वो मिल क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो तेज चले होंगे तो ऐसी सड़क तो भाई क्या बताऊँ मैं, ऐसे में तो बनता है भाई, बढ़िया बहुत अच्छी सड़क हो चुकी है। और हम यही डर रहे थे कि झटके बहुत लगेंगे, पर भाई ये वाला पैच अच्छे से मेटल हो चुका है, दिल खुश हो गया। अब पता नहीं आगे वाला भी है, वो शायद अभी नहीं हुआ होगा। चलो जहाँ तक भी है बहुत बड़ी बात है, और काफी चौड़ी कर दी है सड़क, ये सबसे अच्छी चीज है। तो हम लोग सेंज पहुँच चुके हैं, शिवम उज्वल तो आगे ढाबे पे वेट कर रहे हैं कुछ खाने के लिए, उससे पहले हम लोग कुछ यहाँ से
वेजिटेबल और फ्रूट्स लेके जाते हैं। कुछ फ्रेश दिखेगा अगर, पर लग नहीं रहा, थोड़ा बहुत तो है फ्रेश। ये इतना सामान तो अपना बस अभी सब्जी फ्रूट्स वगैरह हुआ है। शिवम उज्जवल वगैरह सब लोग अंदर बैठे हैं, तो हम लोग भी चले जाते देख लेते। हेलो गाइज, आप आगे आगे चले हो फास्ट। चलो पहुंच तो गए, सरप्राइज था भाई, सरप्राइज, मजा आ गया। तभी जल्दी पहुंच पाए, नहीं तो अभी तक नहीं पहुंचते हम। ऐसी सड़क चौपाल तक हो जाए, बैठो। वो यहाँ पे भी सड़क का काम चल रहा है, तो हम चौपाल की तरफ को जा रहे थे, बीच में चला है सड़क का काम, तो पूरे बीच सड़क में जो है ये मशीन है। उधर वाली गाड़ियाँ उधर रुक चुकी है, इधर वाली इधर। शिवम उज्जवल अभी आए नहीं है क्योंकि वो पीछे रुक चुके थे किसी काम के लिए। एक गाड़ी तो आई है, अच्छा ये नहीं है, तो सबको लाइन में ही लगना पड़ेगा फिलहाल। मेरे को लगा शायद ये ट्रक ऐसे ही खड़ा है यहाँ पे, फिर पता चला कि यार यहाँ काम चल रहा है आगे, इसीलिए खड़ा है। तो हम लोग चौपाल पहुँचने वाले, और आप सभी लोगों को चुड़ेश्वर महाराज के दर्शन। जय हो चुड़ेश्वर महाराज, सब पे कृपा बनाए रखना। तो अभी हो सकता है एक दो दिनों में शिवम उज्जवल तो जाएंगे चूड़धार, अगर मेरा पॉसिबल हुआ तो मैं भी उनके साथ जाऊँगा, पर लेट्स सी क्या बनता है। तो भाई शिवम उज्जवल को तो बाय बोलना पड़ेगा। उजी भाई यहीं तक का सफर था, थैंक यू गाइस, आप लोग साथ साथ चले बढ़िया आराम से हमारे चक्कर में, बल्कि लेट भी हो गए होगे। नहीं नहीं, जिस तरह से सड़क है ऐसी चलना पड़ता है यहाँ पे, तो क्योंकि पर तक तो अब ठीक है, बट उससे आगे, और हमें सफर का आज पता भी नहीं चला। मैं सच्ची बात बताऊं, एकदम पहुंच गया, और कंपनी भी थी ना, तो ये था कि आगे पीछे चल रहे हैं कि पता है कहाँ क्या है, नहीं तो अकेले ही चलना पड़ता है। देखो शिवम उज्जवल का सामान लेने के लिए बंदे एकदम तैनात हो चुके हैं। ठीक है गाइज, हाँ जी। तो अभी हम लोगों ने शिवम उज्जवल को बाय बाय बोल दिया है, तो वो लोग कल चूड़धार जा रहे हैं, और हमें भी बोल रहे थे कि आप लोग भी प्लान बनाओ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि लेट्स सी क्या बनता है, अभी घर जाके बात करेंगे। तो चौपाल से हमें सिर्फ एक सामान डालना है गाड़ी में, बाकी हमने मैक्सिमम सामान डाल दिया है। अच्छा, नेहा के लिए कुछ लेके जाना था वहाँ से, केमिस्ट से एक दवाई, तो वो ले लेंगे। फिर देखते हैं, तैयारी कुछ भी नहीं है, कपड़े कुछ भी नहीं है, अगर जाना भी होगा चूड़धार तो थोड़ा सा मुश्किल। मेरे लिए तो पता नहीं, बाकी बुलावा होता है, अगर होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो। बाकी चुड़ेश्वर महाराज की जय हो, अगर बुलावा होगा हम जरूर जाएंगे। हम चाहते भी है कि हम जाए, पर थोड़ी दिक्कत की वजह से नहीं जा रहे, पर अगर सारी दिक्कतें लगा के ठीक है, हो सकता है, क्योंकि चाची भी जा रहे उज्जवल के मम्मी, तो नेहा के साथ के लिए वो हो जाएंगे, तो इस वजह से हमारी हिम्मत जो है ना थोड़ी और बढ़ रही है, क्योंकि चलने में तो दोनों ही इक्वली आराम आराम से ही चलेंगे। चलो बाकी देखते हैं। हम लोग चौपाल पहुंच चुके हैं, अब काफी देर बाद मैंने शूट किया है, अब मैं बोल सकती हूँ, मुझे उतनी दर्द नहीं है, नहीं तो मैं मुंह भी नहीं खोल रही थी। शुक्र आपने इलाज करा दिया, तो अभी हमें देखना सबसे पहले केमिस्ट्री, तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, हमें अंदर जाना पड़ेगा मार्केट में, और वहाँ मिलेगा हमें। चलो लेके ही चलते हैं, अपना कोटा पूरा कर लिए। तो हम लोग बाजार में उतर ही गए, क्योंकि हमें थोड़ा और सामान भी चाहिए था, तो सोचा लेके चले जाते, फिर गाड़ी पार्क कर दी है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पुराने गांव, यहां पे भैया आए हैं सामान लेने, तो इनको सामान दे देते ताकि इनका सामान तो पहुंच जाए ऊपर। तो शोभा भाई आए स्पेशली सामान लेने, तो इनका सामान मैं दे देता हूँ। और मेरी गाड़ी देखो कितनी फुल है, कुछ भी जगह नहीं है कुछ और डालने के लिए, बस ये थोड़ी सी स्पेस ये बची थी, अगर कोई और सामान होता तो ये भी भर जाना था। ये चाचू का चेन सो है जो मैं आज लेके आया हूँ, तो मैं और भैया भी ट्राई कर रहे थे इसको चलाने का, तो मैंने भैया को समझा दिया किस तरह से चलेगा, तो मैं ट्राई कर रहा था, शायद इसमें ऑयल कम है तो अभी चल नहीं रहा था, तो आप इसको आराम से ले जाना, ठीक है भैया। ये देखो इसका बाकी सामान यहाँ पे, मैं हेल्प करता हूँ आपकी, रुको। घर पहुँचने से पहले हो चुका है अंधेरा, और एक न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है। अब मैं सोच रहा हूँ ना इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करूँ, क्योंकि कल हम लोग सोच रहे हैं कि शिवम उज्जवल चूड़धार जा रहे, चाची भी जा रहे, तो मैं और नेहा भी उन्हें ज्वाइन करें। अभी हमारा पक्का नहीं है, हो सकता है कि पॉसिबली हमें जाना पड़े, इसीलिए हमें ये ब्लॉग यहाँ खत्म करना पड़ेगा। और कल हम लोग अगर शूट कर भी लेंगे तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चूड़धार में सिग्नल नहीं होते, तो सोच रहे इसका सेकंड पार्ट बना लेते हैं। यहाँ से आगे की जर्नी जो है आपको कल वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।